हेलो दोस्तों, मैं राज एक बार फिर स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज की आवाज़ में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं माघ मेले में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के लिए भरी हुंकार, बताया अपना अगला मिशन। तो आप हम बता दें कि वहाँ पे सबसे पहले हुए निर्मोही अखंडे के महामंडलीय महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के पंडाल में गए और तमाम संत महात्माओं से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो दोस्तों, वीडियो कुछ ऐसा ही, पूरा वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को माघ मेला पहुंचे। यहां संगम स्नान के बाद कई शिविरों में जाकर उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। उनके माघ मेले में आने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच गए। इससे रेती पर काफी गहमा गहमा माहौल बना रहा। लोगों को संभालने में पुलिस प्रशासन के छूटे पसीने बागेश्वर धाम के स्वागत के लिए सतुआ बाबा सहित कई संत पहुंचे। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मेजा के कुंवर पट्टी में चल रहे माँ शीतला कृपा महोत्सव में भी भाग लेंगे। यहाँ पर 1,00,000 से अधिक लोगों की पहुँचने की संभावना है। सुबह से यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। संगम स्नान के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती सहित कई संतों से मुलाकात की। इसके बाद वह स्वामी रामभद्राचार्य के शिविर में भी पहुँचे। इसके पूर्व खाक चौक स्थित सतुआ बाबा के आश्रम में काफी देर तक रहे और लोगों से मुलाकात की। बागेश्वर धाम के पहुँचने पर संगम पर भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखा। लोगों को काबू करने में पुलिस के छूटे पसीने। काफी धक्का मुक्की के बाद उन्हें वाहन में बैठाकर सतुआ बाबा के आश्रम ले जाया गया। तो दोस्तों, अगर आप भी बागेश्वर धाम बालाजी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जय बालाजी जरूर लिख दें, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर धाम सरकार।